हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, जो भी मैंने पेटीएम मॉल के पुराने वीडियोस बनाए उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने खुद भी बुक किए और उसमें से एक दो प्रोडक्ट की तो लाइव बुकिंग करके भी आप लोग को दिखाया था। उनमें से एक प्रोडक्ट था 6-in-1 का कॉम्बो, जिसमें एक वॉच, एक OTG कनेक्टर और उसमें कुछ और चीज़ें भी थी, 6 चीज़ें थी। और वो मुझे 99 rupees में मिला था, मीन प्लस ऑफर कोड लगाने के बाद 199 उसकी प्राइस था। उसके अलावा एक सूरैक भी मैंने बुक किया था, जिसमें 1 से मंथ कोड लगाने के बाद मुझे 130 rupees का मिला था। तो उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और जो भी चीज़ें हों वो प्लीज़ बताइएगा जरूर, क्योंकि कोड्स जो भी होंगे वो आते जाते रहते हैं और अगर अच्छी चीज़ है तो फिर आगे कोड आएगा तो आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये मुझे डिलीवर हो गया है 99 rupees वाला, ये इसमें 6-in-1 का कॉम्बो है। इसके साथ ही यहाँ पे सू रैक भी डिलीवर हो चुका है, काफ़ी बड़ा सा डब्बा है और इस बार मैंने इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, वीडियो बनाने तक अनबॉक्स नहीं किया, लाइव आपको वीडियो में ही अनबॉक्स करके बताऊंगा और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो आपको ही पता चल जाएगा। तो क्वालिटी कैसी है, 99 rupees में जनरली तो जस्टिफाइड है रेट के हिसाब से, तो अगर 6 चीज़ दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी 99 rupees कुछ वैल्यू जरूर होती है, फ्री में 99 भी नहीं आता है। और सू रैक की बात करूँ तो सू रैक मैं पहले मंगवा चुका हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी 130 rupees में। ये वाला फिर से मैंने मंगवाया हुआ है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी, कहीं डिफेक्टिव तो नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि डिफेक्टिव पीस भी ऐसा नहीं उन्होंने भेज दिया, तो वो भी आपको लाइव दिख जाएगा। तो बस ठीक है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद अपना रिव्यू आप लोगों को चलिए बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ये दो बॉक्स हैं, पहला ये 99 rupees वाला कॉम्बिनेशन वाला है और इसमें 6-in-1 कॉम्बो है और ये सू रैक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए पहले इस सू रैक को अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से मैं इसको कर देना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा अभी फिट करके नहीं दिखाऊंगा, बस ये दिखाऊंगा कि ड्यूरेबल है या नहीं। इसके बाद इस जो इसमें 6-in-1 है इसको सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि इसमें इसकी क्वालिटी कैसी है। तो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं सू रैक अनबॉक्सिंग पे। तो सू रैक के एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो लास्ट बार जो मैंने सू रैक मंगाया था उसका डब्बा भी उन लोगों ने डैमेज दिया था, उन्होंने कहा था अरे भाई कोई दिक्कत होगी तो चलो वो रिप्लेसमेंट तो हो जाएगा। मैंने कहा रिप्लेसमेंट तो हो जाएगा बट मैं रिप्लेसमेंट करने के लिए तो मैंने प्रोडक्ट नहीं मंगवाया है ना। तो लास्ट टाइम उन्होंने जो भेजा था वो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी बट डब्बा उन्होंने फटा हुआ दिया था। तो गाइज, ये इसका हो गया, प्लास्टिक इसकी निकली है। मैंने आपको वीडियो में जैसा कि बोला, अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा वो वाला, तो मैंने उसमें आपसे बोला था कि इसकी प्लास्टिक जो है आप प्राइस के हिसाब से मत जाइएगा कि प्राइस इसका कम है तो प्लास्टिक अगर अच्छी नहीं होगी, प्लास्टिक इसकी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। मीन्स आपको इससे कुश्ती तो लड़नी नहीं है, मेनली आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसमें शूज़ रखने हैं, तो शूज़ का वजन 1-2 किलो तो होता नहीं है, काफ़ी सारे रख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनली एक शूज़ का वजन 1-2 किलो तो नहीं होता है। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी जो है ना, ये आपको शायद दिख रहा हो, अब देखिए काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का है और इसमें इसको आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आप इसको टच करके तो आप नहीं देख पा रहे हैं, टच करके तो मैं देख पा रहा हूँ, बट मैं जैसे आप इसको देखिए हल्का सा मैं इसको बेंड करने की भी कोशिश करता हूँ, तो अगर हल्का सा देखिए यहाँ मैं इसको प्रेशर भी लगा रहा हूँ तो देखिए ये बिल्कुल हल्का सा बेंड हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर भी। तो ये ऐसी वाली प्लास्टिक नहीं है कि जो हल्का सा आपने हाथ लगाया और बस वो मुड़ना चालू हो गई। इसके बाद इसमें यहाँ पर रॉड्स मिल जाती हैं, ये देखिए ये इसकी रॉड्स हैं, तो ये टोटल रॉड्स हैं। इसमें ये आपको इस तरह से सेट कर लेना है, ये ऐसे लंबाई में रहता है, इस तरह से सेट कर लेना है और ये जो आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे होंगे इस होल्स में ये वाली जो रॉड्स हैं ये रॉड्स इस वाली होल्स में फिट हो जाती हैं और इसके बाद फिर आप इसमें अपना शूज़ रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट मेनली ये है कि इसकी रॉड्स और इसकी जो ये प्लास्टिक है ये काफ़ी अच्छी है, ये मेनली आप लोगों को बताना था। इसके बाद इसको कर देते हैं साइड, आ जाते हैं अपने ये दूसरे प्रोडक्ट पे। मेनली मैं इसके बारे में आपको दिखाना चाहता था, ये अभी पूरी तरह से कहीं से भी अनबॉक्स नहीं हुआ है, तो इस साइड से मैं इसको जल्दी से काटता हूँ और देखता हूँ क्या क्या इसमें भेजा है, किस क्वालिटी का भेजा है। ये हो गया, ये हो गया, अब देखिए ये सब 99 rupees का है, आप ये समझ के चलिएगा कि 90, अब इसके अलावा इसमें अब कुछ नहीं है, हटाते हैं इसको। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो कि है वॉच। ओहो, वॉच तो अब आप खुद देखिएगा, आप मेरी बातों पे मत जाइएगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ अच्छा है ख़राब है, तो आप उस पर मत जाइएगा, लेकिन आप रियली में इस वॉच को देखिए, क्या ये आपको लगता है कि ये वॉच आपको 10-20 rupees में मिलेगी? मैं आपको अच्छा कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैं एक वॉच एक दूसरी लेके आया था जो मैंने दिल्ली से ख़रीदी थी और दिल्ली के CP से ख़रीदी थी, ये वॉच मैंने, ये वॉच जो है ये मैंने 150 rupees के आसपास खरीदी थी, लोकल है, लोकल फास्ट ट्रैक है। और ये देखिए ये एक दूसरी है, हालांकि इसमें इन्होंने कंपनी नहीं लिखी है, कंपनी कुछ पता नहीं कौन सी लिखी हुई है, वेकवुड, वेकवुड कंपनी लिखी है। स्ट्रैप्स भी देखिए ठीक है, स्ट्रैप्स भी, और मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो ये वॉच तो मैं जैसा सोच रहा था उससे ज़्यादा अच्छी है, ये 150 की मैंने ली थी CP से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गई वॉच, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाद ये देखिए इन्होंने क्या भेजा है, इसमें
इन्होंने भेजी है एक ऑक्स केबल, और मैं आपको बताऊं ये ऑक्स केबल अभी एक बार मुझे नीड थी एक वायरलेस हेडफोन में लगाने के लिए, तो मैंने अपने पास की मार्केट से 40 रुपये में ये ऑक्स केबल खरीदी थी, तो ये भी इसमें मिली है। उसके बाद आते हैं ये OTG अडाप्टर पे। OTG अडाप्टर ये आपको कितना भी सस्ता, हालांकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये दिल्ली में मुझे लगता है 5-10 रुपये में मिल जाएगी ये वाली ऑक्स केबल, तो ये तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने बस एक देने के लिए बस इन्होंने दे दिया है, तो इसको भी रख देते हैं। और इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑक्स केबल की क्वालिटी तो चलिए सही थी, और वॉच की भी क्वालिटी सही थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं USB केबल पे। तो USB केबल पता नहीं उस फोटो में था भी या नहीं था USB केबल, तो USB केबल भी चलिए खोल के दिखाता हूँ आपको। USB केबल भी सस्ती क्वालिटी की ही USB केबल भी है, और ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और पता नहीं अभी वर्क करेगी भी कि नहीं जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब, लेकिन क्वालिटी मीन्स अच्छी नहीं है उतनी ज़्यादा, बट फिर भी 99 रुपीज़ के हिसाब से मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छी लग रही हैं। ये क्या दिया है, ये दिया है इन्होंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर, तो इसको मैं यहाँ से इसका स्टिकर निकालूंगा, इसको मोबाइल के पीछे स्टिक कर लूँगा, तो ये मोबाइल होल्डर यहाँ से मैं इसे उंगली लगा के यूज़ कर सकता हूँ, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। ये भी इन्होंने मुझे लगता है नेहरू प्लेस से, दिल्ली के नेहरू प्लेस से भेजा है, 5-10 रुपये का आइटम ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये USB, ये ऑक्स केबल और ये 10-20 रुपये अगर दिल्ली की मार्केट से लिया है तो 10-20 रुपये के आइटम से ज़्यादा का नहीं है ये। और इसके बाद अगर वॉच की बात करें तो वॉच तो एटलीस्ट आपको दिल्ली में भी अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है 100 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगी, या आपके आसपास की मार्केट में तो इससे ज़्यादा की मिलेगी। तो ये हो गया इसका अनबॉक्सिंग। चलिए ठीक है, कुछ और चीज़ें अपने आप इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो मुझे सूर्य का ही है उसमें ये रॉड्स हैं, और उसके अलावा ये प्लास्टिक है, तो यहाँ पे हो सकता है अब आपको ज़्यादा अच्छे से भी दिख रही होगी, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इसको आप बेफिक्र ले लीजिएगा। जब इसमें अगर 1 से 1 कोड लग जाएगा तो स्पेशल एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, 130 रुपीज़ का आपको मिलेगा, बिना सोचे आँख बंद करके ले लीजिएगा। इसके बाद इसको रख देता हूँ मैं नीचे। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स पे। तो मैंने जो अनबॉक्सिंग किया तो आपको एक ये चीज़ दिखाना भूल गया, शायद आपने वीडियो में देख लिया होगा बट इसके बारे में मैं देख नहीं पाया था। तो ये इन्होंने एक सिम ट्रे वाला एक दिया है, सिम ट्रे है, ये भी आपको 30-40 रुपये की बाहर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी, 6-in-1 कॉम्बो था। इसमें एक वॉच मुझे मिली, वॉच का प्राइसिंग तो बिल्कुल जस्टिफाइड था, मीन्स आपको 10-20-50 रुपये वाली ये नहीं है। इसको मैं पर्सनल मैं सोचता था यार पता नहीं मैं यूज़ करूंगा अभी कि इसको नहीं करूंगा किस तरह की आती है, लेकिन एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं इसको यूज़ करूंगा, क्योंकि ये वॉच अच्छी है, और रेगुलर नहीं पहन सकते हैं, रेगुलर ना भी पहनिए, बट अगर आपके पास 2-3 वॉच है तो बिल्कुल आप पहन सकते हैं। ये वॉच निकली, एक ऑक्स केबल निकली, जो कि अगर आप अच्छी मार्केट में रहते हैं तो 10-20 रुपये मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30-40 रुपये मिलेगी। USB केबल निकली, बहुत ही एवरेज क्वालिटी की है, और पता नहीं वर्क करेगी भी कि नहीं करेगी। और एक यहाँ पे एक मोबाइल का एक वो निकला, मीन्स होल्डर होता है वो निकला, और एक OTG अडाप्टर निकला जो कि गिर चुका है नीचे, और OTG अडाप्टर एक निकला। तो ये OTG अडाप्टर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पता नहीं ये भी वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट फिर भी इन सब चीज़ों की प्राइसिंग थी 199 थी, और इसे फ्लैश ऑफर कोड लगाया तो 99 रुपीज़ में मिल गया। तो अगर ये फिर से आता है ये ऑफर तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं 99 रुपीज़ में, और क्या लोग यार, एक एटलीस्ट आपको वॉच इतनी अच्छी मिल जा रही, बाकी इतनी सारी एडिशनल चीज़ें मिल जा रही, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू अनबॉक्सिंग। आगे भी अगर आप बोलते हैं किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने का जो मैंने मंगाया है, मैं आपको करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। बस मिलेंगे नए वीडियो में, नया टॉपिक है, तब तक बोलते हैं, गुड बाय।